हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं बताऊंगा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही राउंड में आपको समझा दूं। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। पॉलिनोमियल ये मैं कोशिश करूंगा कि 1 आवर में पॉलिनोमियल चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, मेरी कोशिश यही रहेगी। देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग को जानना होगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? एक तरह का सिंबल है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। कॉन्स्टेंट क्या होता है? एक तरह का सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कभी 4 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। ए बी सी का भी वैल्यू अगर इक्वेशन में ए बी सी दिया रहता है तो 1, 2, 3 वैल्यू हम लोग लेते हैं, कभी 4, 5, 6 कुछ भी लेते हैं। मतलब जिसका वैल्यू अलग अलग आप ले रहे हैं, सिंबल तो वही है, वैल्यू अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट हिंदी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सब आपके वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। कॉन्स्टेंट हम लोग यूज भी करते हैं टर्म, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये भी एक तरह का सिंबल है, वैल्यू फिक्स है। तो सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, सिंबल का वैल्यूज क्या होगा? फिक्स होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए, 2, 3 जो भी नंबर्स है, ऑल नंबर्स आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिल जाता है तो क्या बनाता है? एक्सप्रेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक्सप्रेशन। तो हमारा अगला टॉपिक होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन यूजिंग ऑपरेशन, यूजिंग ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर इसके द्वारा हम मिलाते हैं तो वही क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेशन इतना इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक वेरिएबल एक्स है, एक कांस्टेंट 2 है, इसके बीच में आया प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वाई माइनस 2, 2x, 3z ये सब क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब आपको नॉलेज हो गया तब हम लोग आ जाते हैं अब टर्म्स में। देखिए x प्लस 2 है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो टर्म जो है सेपरेटेड होता है किसे? ऑपरेशन से। तो टर्म क्या हो गया? इन x प्लस 2 टर्म को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग सिंपली देख के समझ सकते हैं। टर्म x इन x प्लस 2 टर्म्स आर x
और टू, एक टर्म एक्स है और दूसरा टर्म क्या है टू है, इसमें देखे तो एक वाई है दूसरा क्या है माइनस टू है। तो ये टर्म्स होता है। टर्म्स के बाद अब हम लोग जानेंगे डिग्री। डिग्री क्या होता है? द हाइएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होता है? द हाइएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नाइन। डिग्री हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? दो है एक है, इसमें तो एक्स का पावर जीरो ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर टू हो जाएगा। डिग्री ऑफ वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? थ्री है, इसलिए ये हो जाएगा थ्री। डिग्री समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। डिग्री के बाद हम देखते हैं, डिग्री के बाद क्या है? अब हम लोग पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। डिग्री के बाद पॉलिनोमियल का बारी आ गया। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हम लोग देखते हैं डिफिनीसन इसका क्या होगा। तो ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन इन विच इन विच अच्छा लैंग्वेज नहीं, एन एक्सप्रेशन हुज पावर इज अ होल नंबर। एन एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होगा हुज पावर इज अ होल नंबर। अच्छा ये इसमें एक चीज़ है, पावर किसका? वेरिएबल का। एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल लिखिए, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव। वेरिएबल का पावर क्या है? दो है, इसका क्या है? एक है, इसमें वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल का पावर जीरो है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, वेरिएबल का पावर टू है, वेरिएबल का पावर जीरो, इसलिए भी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स है कि नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस वन है, ये वन पावर माइनस वन, पावर माइनस वन होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। एक्स प्लस रूट एक्स प्लस फाइव, अब इसको आप क्या लिखिएगा? इसको लिखिएगा एक्स, इधर लिखता हूँ ना, x प्लस एक्स का पावर वन बाई टू प्लस फाइव। देखिए वन बाई टू होल नंबर नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल समझ गए होंगे आप। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म। पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म पढ़ लेते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पहला क्या होता है? मोनोमियल। दूसरा क्या होता है? बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है? ट्रिनोमियल। चौथा क्या होता है? क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा सुन करके। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म होता है, हैविंग ओनली वन टर्म। इसमें बाइनोमियल में दो टर्म होता है, ट्रिनोमियल में थ्री टर्म होता है, क्वाड्रिनोमियल में फोर टर्म्स होता है। ठीक है, ये मैं काम आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, मैंने बोल दिया है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक ही टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो। ट्रिनोमियल क्या होता है? जिसमें तीन टर्म हो।
क्वाड्रिनोमियल में चार टर्म होता है। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का टाइप अकॉर्डिंग टू टर्म। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का शुरू हो गया है पॉलिनोमियल चैप्टर का, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। इसी के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दो पॉलिनोमियल है जिसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक यही है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री वन हो। तो लिखते हैं अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज वन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी। ये एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। इट हैज वन सॉल्यूशन और रूट और जीरो। सॉल्यूशन, रूट और जीरो एक ही चीज़ को बोलते हैं। और वो क्या होता है, वो ऐसा वैल्यू होता है कि इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। ये जीरो कब होगा बताइए, एक्स के किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो एक्स के जगह पे हम लोग भरेंगे माइनस बी बाई ए। तो ए से ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो। मतलब माइनस बी बाई ए इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है। वैसा वैल्यू जो इसमें पुट करे तो इसको जीरो कर दे, वही इस एक्सप्रेशन का जीरो या सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसका एक्स वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, वन है, वन होना चाहिए। अब आपको याद रखना है कि जितना इसका डिग्री है ना, सॉल्यूशन भी उतना ही होगा। डिग्री वन तो सॉल्यूशन भी वन, डिग्री टू सॉल्यूशन भी टू, डिग्री थ्री सॉल्यूशन भी थ्री। एग्जांपल एक्स प्लस फाइव वाई माइनस टू, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस फाइव। कहेगा एक्स माइनस फाइव का सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। तो इसको आप जीरो के इक्वल टू कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइव आ गया। यही हो गया, समझ में आ गया होगा। हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ अब, क्वाड्रेटिक। ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री टू होता है। पॉलीनोमियल हुज डिग्री इज टू, डिग्री टू है तो सॉल्यूशन क्या होगा, टू सॉल्यूशन होगा। इट हैज टू जीरोज, लिखिए सॉल्यूशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, जगह बचाना है ना। इट हैज टू जीरोज, एक जीरोज होता है अल्फा और ये होता है बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा, इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा। और यहाँ पे वन सॉल्यूशन है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। एक जीरोज है तो इसको हम अल्फा बोलेंगे, दो है तो अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्म क्या होगा. इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री. मतलब इसमें मैक्सिमम थ्री टर्म होगा और मिनिमम तो एक ही टर्म होता है. केवल एक्स स्क्वायर भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है. इसमें फार्मूला आएगा, अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज का मतलब सिम्बोलाइज होगा अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला हो गया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते हैं. मीन्स अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए. तो जब हमारे पास पॉलिनोमियल होगा तो इसके हेल्प से हम अल्फा निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं. अब हम अल्फा और बीटा के हेल्प से पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे. पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा आपका फार्मूला. इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, फाइंड जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन. एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का जीरोज निकालना है. अगर आपको ये सब क्वेश्चन बनाने आता है जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दे और तब क्वेश्चन बनाए, उसके बाद देखे कि आंसर आपका मिलता है या नहीं मिलता है. एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हमने अभी बताया जीरोज निकालना है तो इक्वल टू जीरो करेंगे. तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो. अब हम ये देख रहे हैं फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो. अब हम लोग दो नंबर का जब प्रोडक्ट जीरो होता है तो फर्स्ट नंबर जीरो सेकंड नंबर जीरो. फर्स्ट नंबर है एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, एक्स माइनस थ्री. फिर सेकंड वाला है एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स क्या होगा, थ्री. ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, दो आंसर आएगा क्योंकि ये इसका डिग्री टू है, क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक के लिए दो आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब आपका गलत है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स का जीरोज निकालना है. यहाँ पे कितना डिग्री टू है, आंसर कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए. चलिए हम बनाने चले, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इलेवन एक्स हो गया, एक एक्स कट गया, एक्स इक्वल टू इलेवन. हमने दिया क्वेश्चन बच्चा को, बच्चा ऐसे बना दिया, बोला सर एक्स का आंसर कितना आया, इलेवन आया. हमने कहा कि ये गलत है. कैसे गलत है, डिग्री कितना है, दो है, तो आंसर भी दो चाहिए, एक ही आंसर लाए हो इसलिए गलत है. तो ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे आप लोग नहीं बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, फैक्टराइज करना है. इसमें आप कॉमन लीजिए एक्स, देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, इलेवन आ गया. जीरो भी आंसर है और इलेवन भी आंसर है, ये दोनों आंसर होगा. अगर आप केवल इलेवन लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो अभी हमने सीखा पॉलिनोमियल के हेल्प से जीरोज फाइंड करना. एक और ले लेते हैं जीरोज फाइंड करने के लिए, फाइंड जीरोज ऑफ जल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. इसका जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करके सिक्स, प्लस करके फाइव. यहाँ पे हमको नंबर लेना है थ्री और टू, थ्री और टू नंबर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री. दोनों में क्या कॉमन आएगा, टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री. ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू जीरो, सेकेंड नंबर इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, इतना करने आ गया होगा. हम लोग आगे चलते हैं.
अब पॉलिनोमियल के हेल्प से हम लोग निकाले हैं उसका जीरोज। अब कभी कभी जीरोज दे देगा, कहेगा पॉलिनोमियल निकालिए, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज कर देंगे। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। ये रहा इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है, तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लिखेंगे कि ए का वैल्यू कितना है वन, बी है नाइन माइनस नाइन, सी है सेवन। ए बी सी आपको पता हो गया, ए बी सी मालूम हो गया, तो आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस नाइन बाई वन, नाइन आंसर हो गया। अगर आप निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी कितना है सेवन, ए कितना है वन, आंसर क्या हो जाएगा सेवन। ये हो गया। अब कोई स्टूडेंट इसको क्या कर सकता है, फैक्टराइज करके दो आंसर निकालेगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, वो भी वैसे भी कर सकता है, लेकिन अगर ये फैक्टराइज होने वाला क्वेश्चन नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करके सेवन और प्लस करके नाइन, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है तो फैक्टराइज आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली फार्मूला है तो फार्मूला यूज करेंगे, जीरो हम नहीं फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरो जार, फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरो जार माइनस फाइव एंड सिक्स। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज माइनस फाइव है। देखिए क्या है, जीरोज है, तो हमने बताया कि एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया माइनस फाइव, बीटा का वैल्यू सिक्स। अगर कोई स्टूडेंट अल्फा को सिक्स और बीटा को माइनस फाइव लिखे तब भी सही है, कोई भी एक अल्फा होगा कोई भी एक बीटा होगा। अब फार्मूला क्या है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस फाइव है ये सिक्स। क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने इस पे क्वेश्चन क्या बताया, पॉलिनोमियल से जीरोज फाइंड करना, हमने कब बताया पॉलिनोमियल से सम और प्रोडक्ट निकालना, हमने बताया पॉलिनोमियल के हेल्प से जीरोज के हेल्प से पॉलिनोमियल फाइंड करना। ये क्वाड्रेटिक आपका ख़त्म हो गया, क्वाड्रेटिक में इसी से इतना ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। फाइंड वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा फॉर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एट। ये है इसका, आपको वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा निकालना है। हमको जो फाइंड करना है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम होगा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, हम यहाँ सब निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा वन, बी होगा माइनस सेवन, सी होगा एट, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस सेवन बाई वन, मतलब कि सेवन। फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या होगा सी बाई ए, सी है एट और ये वन, एट बाई वन एट। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं सेवन, अल्फा सेवन बाई एट, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा तब कैसे निकालते, अल्फा माइनस बीटा अगर इसी क्वेश्चन में निकालना होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग लिखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस फोर अल्फा बीटा के बराबर होता है। ये वाला फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो आपको पता ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा आपका सेवन है, अल्फा इंटू बीटा कितना है एट है, 49 माइनस 32 17 आ जाएगा। ये अल्फा माइनस बीटा आपका रूट अंडर 17 आ जाएगा, प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा आपका 7 दिया हुआ है और अल्फा बीटा 8 दिया हुआ है, तो आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फा बीटा का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, 8 है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 16 33 आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है, प्लस 2 अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे, बोथ साइड हम माइनस 2 अल्फा बीटा करते हैं। बोथ साइड अब हम लोग माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 33, तो इधर भी माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों तरफ। अब ये देखिए ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, 33 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आपका 8 था, 33 माइनस 16 ये 17 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 17। देखिए पहले भी इतने दोनों एक सिचुएशन में सेम है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो, जिसका डिग्री 3 हो, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, डिग्री क्या होगा 3 होगा, तो इसके साथ जीरो जो होगा 3 होगा, इट हैज 3 जीरोज हो जाएगा, कौन कौन सा, अल्फा बीटा आप लोग जान चुके, एक नया है गामा, जी ए डबल एम ए, इसको क्या पढ़ेंगे गामा पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा, फॉर्म क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा इसका फॉर्म। अब इसमें भी फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब का उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही हो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, एक और होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाई ए। फिर से सुन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को वर्ड में क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा
इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर वन माइनस वन और टू, ये है इसका जीरोज, वन माइनस वन टू, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने इसको लिया अल्फा, इसको लिया बीटा, इसको लिया गामा, यहाँ लिख लेते। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस टू, टू आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी चाहिए, वन इंटू माइनस वन इंटू टू, माइनस टू आ गया। अब एक और चाहिए, उसको हम लोग इधर निकालते हैं, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये भी तो हमको फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, अल्फा कितना है, वन है, और ये है माइनस वन, ये माइनस वन इंटू टू, और ये टू इंटू वन, माइनस वन माइनस टू प्लस टू, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया माइनस वन। अब हम पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही है। हम लोग अब वैल्यू डालते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है आपको टू, तो टू एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस टू, तो माइनस टू एक्स, और ये है माइनस वन, तो ये है माइनस और माइनस वन। ये रहा आपका पॉलिनोमियल, जब अल्फा बीटा गामा तीनों दिया हुआ है, तो जीरोज की हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसका रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं, अब इसी क्वेश्चन के लिए, ये मेरा क्वेश्चन है और इसका जीरोज फाइंड करना है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन तो आप लोग पढ़े हैं मिडिल टर्म में, स्प्लिटिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो स्क्वायर तक के लिए होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको अगर फैक्टराइज करना है तो उसके लिए हमको पहले क्या करना होता है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना होता है। उसका जो फैक्टर होता है, कांस्टेंट टर्म का पहले फाइंड करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, वन, वन का फैक्टर निकालना होगा, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म वन है, तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस वन, यही होगा, प्लस माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो हम पहले वन इसमें डालेंगे, वन डाल के चेक करेंगे जीरो हो रहा है कि नहीं, एक्स इक्वल टू वन, ठीक, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं। जो पहले पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए, एक्स का वैल्यू वन है, वन पे जीरो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस टू है, ओ वैल्यू कहीं गलत हो गया ना, ये आपका वैल्यू यहाँ पे माइनस टू हमने निकाला है, यहाँ पे माइनस वन डाल दिया, ये प्लस टू होगा, ये टू होगा, फिर से
इसका वैल्यू हमने निकालना है -1। पॉलिनोमियल हुआ एक्स क्यूब -2x² -x+2 हुआ। तो फैक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म 2 का फैक्टर क्या होगा, +-1 +-2। अब हम लोग x इक्वल टू 1 है, अभी पॉलिनोमियल सही करना होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये हुआ, ये 1 से ये 1 गया, ये 2 से ये 2 गया, कितना आया 0, 0 आ गया। कितना पुट करने पे, x इक्वल टू 1 करने पे, तो 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया। और अब इसके हेल्प से हम क्या लिखेंगे, x-1 इज अ फैक्टर, x-1 एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करने जा रहे हैं, x है और x² चाहिए, x³ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे x³, इसको इसको करेंगे -x², साइन चेंज होगा, x है और -x² चाहिए तो -x से -1 और -1 +x हो जाएगा, ये -2x और +2, x है और -2x चाहिए तो -2 से साइन चेंज होगा, ये ख़त्म हो गया, रिमाइंडर आया 0। अब जो कोशेंट आया है इसको फैक्टराइज कीजिए, इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करके 1, मिडिल टर्म में से 2 और 1, ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन दोनों में x कॉमन है और इसमें 1, आपको हो गया x-2 x+1 इक्वल टू 0, दोनों को 1/1 0 पे इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इसमें बनाता हूँ x-2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, फिर से x+1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1, तीन आंसर आया आपको। पहला आंसर क्या है, यहाँ 1 है, अभी 2 आया है और ये -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो एक फैक्टर पहले निकालें, अगर क्वेश्चन में पहले से ही आपको एक फैक्टर दिया हुआ है तब तो और आसान काम है, आसानी से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, x³ -4x² -7x+10, x³ -4x² -7x+10, ये एक पॉलिनोमियल है और इसका दो जीरोज आपको दिया हुआ है, पहला जीरोज है 1 और दूसरा है -2, 1 और -2 दो जीरोज दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका टोटल तो 3 जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा तो आपको तीसरा जीरोज निकालना है। क्या होगा, पहला जीरो जो 1 है तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 1, सो x-1 इज अ फैक्टर, फिर लिखेंगे x = -2, सो x+2 इज अ फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, तो दोनों को प्रोडक्ट करा देते हैं, देन x-1 × x+2 इज ऑल्सो फैक्टर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + x-2 आपको आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, इसको डिवाइड, डिवाइड करना शुरू किया, x² है, x³ लाना है तो x से करेंगे, x³ - x² ये प्लस है तो +x² - 2x, साइन चेंज करना है, -, -, +, ये गया, ये -5x² और ये आपको हो जाएगा -5x + 10, x² है, -5x² चाहिए तो -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5x²
माइनस 5x प्लस 10 प्लस माइ प्लस चलिए माइनस ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोशेंट में आया x माइनस 5, इस x माइनस 5 को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। कोशेंट को जीरो के इक्वल करना है, x इक्वल टू क्या आएगा 5, यही आपका तीसरा जीरोज है, दो जीरोज दिया हुआ है, ये आपका थर्ड जीरोज हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक्स में है, आप लोग सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल में हम लोग को इतना ही करना है। इसी के साथ हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। आपका रियल नंबर भी ख़त्म हो गया, पॉलिनोमियल भी ख़त्म हो गया। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, अच्छे से पढ़ें।